बहुत धन्यवाद कि आप सब पिछले 5-6 दिनों तो जिहड़ा भी प्रोग्राम दिता जांदा उन्हां सारे प्रोग्रामां दे विच बड़े हुम हमा के पहुँचते हो। ये सारिया गल्लां सानू शो करदियां ने कि एक कौम का दर्द है, कौम का रोह है, पर एक केड़ा रोह है ये सानू भी नहीं पता। ये केवल भाई अमृतपाल सिंह ते होई कारवाई का रोह नहीं, ये 1984 ते होए दरबार साहब ते हमले का रोह है जिहड़ा अज 40 साल बाद सिख संगतां दे विचों झलक रिहा। तुसी बहुत बजुर्ग इत्थे बैठे हो जिन्हां ने वह सारा कुछ हंडाया ते देखिया, असी नौजवान आ असी देखिया नहीं पर असी वह सारा कुछ महसूस करते हैं। तो यह साडी कौमी दी निशानी है कि असी एक सांझी कौम आ कि जिहड़ा कुछ असी नहीं देखिया वह सब कुछ असी महसूस कर रहे हैं। अज इंडियन स्टेट वालों वो 1984 दोहराई जा रही है, ये सिंबॉलिक एक्ट होंगे ने, भावें वो दरबार साहब नूं अज नहीं टाउंदे पर उन्हां दी मंशा उहो ही है। वो उदों भी दरबार साहब नूं नहीं सी चाहुंदे, वो अज भी दरबार साहब नूं नहीं चाहुंदे। उन्हां दी लड़ाई भाई अमृतपाल सिंह नाल नहीं, उन्हां दी लड़ाई पूरी समुची सिख कौम नाल है। उन्हां दी लड़ाई तुहाडे दाड़ियां नाल, तुहाडियां दस्तारां नाल, तुहाडी गुरबाणी नाल, तुहाडी अणख नाल। वो तुहानू अज मार के पिछे हटाउणा चाहुंदे, वो अज मार के भजाउणा चाहुंदे, पर एक कौम ने अज तय करना है। अज कौम बहुत अहम मोड़ ते खड़ी है। असी इस गल नूं बहुत छोटा जिहा लै रहे हैं पर जदों ये घटनावां थलियां जाणगियां, जदों ये घटनावां ठंडियां पै जाणगियां, जदों पुलिस आपणे अपने घरे वड़ जूगी, जदों मिलटरी पंजाब चों चली जाऊगी, उदों पंजाब दे दुनिया भर के विद्वान बाहर निकलणगे। वो इस सारे कासे की व्याख्या करनगे ते वो व्याख्या साढ़े 550 साल के इतिहास नूं, सारे इतिहास नूं मुड़ के साढ़े अगे रख देगी। ये बहुत वड्डी एक जंग हिंदुस्तान की हुकूमत ने सानू दुबारे दे दित्ती है। जे तुहाडा संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले महापुरखां नाल प्यार है, तुसीं उन्हां दा सत्कार करदे हो, उन्हां नूं कौमी शहीद मानदे हो, तां सानू इह सारी प्रेरणा उत्थों लैण दी लोड़ है। अज साडे अंदर वो दर्द नहीं, असी केवल अजनाले की घटना नूं देख रहे हां। अजनाले की घटना किड्डा कोई इंसीडेंट है तुसीं भी सारे जाणदे हो। पंजाब तों बाहर दिन दिहाड़े ट्रेनां ते बसां साड़ दित्तियां जांदियां ने, पंजाब तों बाहर दिन दिहाड़े माइनोरिटीज़ का कतलेआम किया जाता, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के गैंग रेप किए जाते हैं। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी कितने नैशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं, कितने वो बंदे टैररिस्ट नहीं, तुहाडे सिरां ते डेरावाद उठा दिता गया। डेरावाद सच्चा सौदा ये प्रेमी जिन्हां नूं असीं झूठा सौदा ये कहने हाँ, मौड़ बंब धमाके दे विच ये फड़े गए, 7 लोगों की जान गई। एड्डा वड्डा इंसीडेंट सी, उन्हूं जेल च बलात्कार दे इल्जामां हेठ जेल च सुट्टिया गया। उन्हां दे समर्थकां ने एड्डी वड्डी वॉयलेंस पंचकूले दे अंदर कीती, दिन दिहाड़े बसां साड़तियां, गड्डियां साड़तियां। वह बंदा अज पेरोल ते फिर बाहर है। तुसी कौमी इंसाफ मोर्चा लाया, अपने बंदी सिंघां नूं आजाद करवाउण वास्ते अज कित्थे है? किसे नूं लगदा भी वह बंदी सिंघां नूं रिहा कर देणगे? वह अज भी सिखां नूं टैररिस्ट मानदे है, असी अज भी गुलाम आ, अज भी नैशनल सिक्योरिटी दे इशू बना के सानूं जेलां च अज भी धक्किया जा रहा है। तुसी कैनेडा की धरती ते पिछले 100 सालों तो वध भी रह रहे, 100 सालों तो वध हो गया सानू इत्थे। असी दुनिया दे विच बड़ा हुब के दसदे हां बाहरलिया मुल्कां दे विच साडे एने MP ने, एने MLA ने, एनी साडी चलदी है, किहड़ा अज तुहाडे लई खड़िया है? किहड़ा तुहाडा MP ते MLA तुहाडे विच इत्थे बैठे है? जे तुसी पंजाब दी धरती तो उजड़ के इत्थे आ रहे हो, 100 साल 1 सदी हो गई तुहानू इत्थे रहिंदिआं नूं,
तीन पीढ़ियां तुहाडियां इत्थे जम गईयां कि कैनेडियन गवर्नमेंट का कोई तुहाडे प्रति रिस्पोंस नहीं होना चाहिए। कैनेडियन गवर्नमेंट तुहाडे वास्ते किसे चिंतित नहीं, तुहाडे रिश्तेदार उत्थे रहिंदे ने, तुसी उत्थे जाना है, उत्थों आउने हो, तुहाडी सेफ्टी कित्थे है, कित्थे है कैनेडा।